अगर ऐसे जगहों पर घूमने के लिए नहीं आ सकते तो क्या कर रहे हो यार। तो गाइस फाइनली आज भी पहुंच चुका है, आज भी थोड़ा शाम हो गया है क्योंकि काम था और सो गए थे तो लेट हो गया, शाम हो गया, लेकिन फाइनली आ चुके हैं क्योंकि आप लोगों को पूरा दिखाना था ना यहाँ पर क्या है और क्या सुंदरता। तो फाइनली आ चुके हैं और बस आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ का सिक्योरिटी जो था पहले का सुरक्षा, वो ये देखो किला के चारों तरफ से पानी था और शायद यहाँ मगरमच्छ भी छोड़ा जाता था। पूरा किले के चारों तरफ है एकदम, और अभी तो शायद पानी कम है जो कि पूरा भरा हुआ रहता था इसमें। बाकी आपको अब अंदर लेके अंदर जाते हैं और अंदर का सीन दिखाते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर है गाइस, अंदर में मंदिर है, रथ है और बहुत कुछ है। यहाँ का कला का कृति जो है इतना सुंदर है, बस आप देखो, ठीक है, वेट करो। बाकी यहाँ पर एक बोर्ड है लगा हुआ जो कि यहाँ क्या क्या है, ये किला क्यों, किसने बनवाया, कितना बड़ा है, सब कुछ है, दिखाते हैं आपको। तो इसमें सारी जानकारी थी, अगर आपको वैसा पढ़ने का कोई मन है या फिर जानकारी लेने का तो वीडियो को पॉज करके रोक के देख सकते हो। यहाँ ऐसा है कि ये किला जो है ना 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। क्या बात कर रहे हैं बाबा, और बहुत अच्छा बनाया गया है इसका डिजाइन, और ये मतलब इतना पुराना है फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्या बता, मन खुश हो गया देख के। बाकी आप भी देखो, दिखाते हैं। तो ये टीपू सुल्तान का रथ है, कितना सॉलिड है देखो। तो गाइस आप लोगों को यहाँ की संस्कृति और कलाकारी दिखाते हैं, ठीक है, देखो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ज्यादा नहीं है। देख सकते ना, बाकी आप लोगों को भी मिला देते हैं। मेरे लिए सा तू है दिल, तू जा तू दर्द दी दवा तू, जब तक मैं आप ही बनाते हैं। बाकी क्या अच्छा लगा, और कोई दिक्कत नहीं है अंकल, अंकल थोड़ा गुस्सा में लग रहा है। तो ऐसा था कि ठीक है, वो लोग भी झारखंड से ही थे, यहाँ पर आए हुए थे घूमने के लिए ही, तब कुछ इलाज वगैरह के लिए आए थे, फाइनली यहाँ घूमने के लिए आ गए हैं। और सब कोई आता है गाइस अच्छा जगह घूमने के लिए, तो हम भी आए हुए हैं और अभी फिलहाल लोग से मिला दिया और अब जाना रहे हैं मंदिर के अंदर, ठीक है। तो पहले उससे पहले यहाँ पर चप्पल जो शूज़ है उसको उतार लेते हैं, बाकी चलते हैं। तो आप मंदिर का पूरा व्यू देखो, काफी अच्छा जगह गाइस, एकदम धार्मिक प्लेस है और काफी बड़ा मंदिर है और सबसे बड़ा गेट है, समझे, दिखाते हैं। ये देखो काफी बड़ा गेट है, फाइनली इंटर हो गया, और इसके अंदर में भी एक मंदिर है, और ये कैंपस। बाकी आपको यहाँ का आरती दिखाते हैं,
ठीक है चलो खत्म है चल। इतने बारीकी से बनाया गया है ना गाइस, तुम खुद देखो। यहाँ के हर एक पिलर में ठीक है मूर्ति बनाया गया है, कि हर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन पुराने ज़माने में इतना अच्छा कलाकारी था। देखो हर एक पिलर में बहुत सुंदर है गाइस। देखो ये क्या है उतना तो पता नहीं है, पूछे यहाँ पर पंडित जी से तो बताए ये टीपू जो सुल्तान थे ना सुल्तान, उनके बैठने के लिए था ठीक है। देखो अगर ऐसे जगहों पर घूमने के लिए नहीं आ सकते तो क्या कर रहे हो यार, ये ज़िंदगी थोड़ी है, इसलिए आओ घूमने के लिए। बाकी हम तो आएंगे ही साथ में ठीक है, और कुछ दिखाते हैं, बने रहो ब्लॉग में। बाकी तब तक लाइक करो फटाफट ठीक है, शेयर और कमेंट, सब कुछ हो जाना चाहिए ठीक है। यहाँ का भी जो भोलेनाथ का मंदिर वो दिखाते हैं आपको। बाकी थोड़ा मन्नत हम भी मांग लेते हैं और सबको पता होगा कि हम क्या मांगे हैं ठीक है। ठीक है और देखो बस आप यहाँ पर हर शाम को मतलब सुबह शाम आरती किया जाता है और प्रसाद भी दिया जाता है ठीक है। देखो पता है गाइस यहाँ पर मैंने सुना है दिया जला के जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। मेरे को जाना पड़ेगा। बाकी आप लोगों ने देखा एक कपल थे जा रहे थे पूजा करने के लिए और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, धार्मिक प्लेस जो है और मेरा भी ड्रीम है। क्या बोला तूने? मंदिर आएंगे कभी। बाकी यहाँ मेन मंदिर है भोलेनाथ का, उसके अंदर भोलेनाथ नहीं है, अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन बाकी बाहर से वीडियो बनाते हैं लोग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ये भोलेनाथ का मेन मंदिर है। तो गाइस ऐसा है कि मैंने तो दर्शन कर लिया और आपको भी करा दिया, बाकी भोलेनाथ का दर्शन तो नहीं करा पाए और वो आप खुद करो आके, अंदर मोबाइल अलाउ ही नहीं था गाइस, तो क्या करते। बाकी मैंने कर लिया, मैंने मन्नत भी मांग लिया। बाकी चलते हैं अब बाहर की ओर और बाहर का वीडियो देखो ठीक है। अभी तक तो लाइक किए नहीं होगे, सब्सक्राइब भी नहीं किए होगे, क्या कर रहे हो गाइस, करो फटाक से इतने मेहनत से। और यहाँ की सबसे अच्छी संस्कृति अभी तक तो फॉलो हो रही है ठीक है। यहाँ जो मूर्ति सब है ये सब देखो, यहाँ का जो सजावट है वो हर दिन लागू होता है, हर दिन उनको फूल चढ़ाया जाता है, हर दिन उनका आरती होता है, उनके सामने हर दिन दिया जलाया जाता है। देखो
बाकी गाइस ये देखो ये कैंपस है, ठीक है। और जो इसके अंदर है सामने जाके दिखाते हैं, जो कि टीपू सुल्तान का रथ है, आपको दिखाते हैं, है ना। ये देखो ये टीपू सुल्तान का पालकी, देख लिए, ये फेक रहता है क्योंकि पता नहीं गाइस क्यों रहता है। बाकी आपको तो दिखा दिया, चलते हैं बाहर की ओर और रात भी हो गई है तो मुझे अपना रूम भी जाना है, चलते हैं बाहर। तो गाइस फाइनली पूरा यहाँ का फाइनली नहीं हुआ है अभी, हाँ फाइनली पूरा खत्म नहीं हुआ है, रात हो गया है तो कुछ ही कर पाए, बाकी एरिया 3 किलोमीटर में फैला हुआ है तो पूरा दिखा नहीं पाएंगे कभी। उसके और लिए दिन में आना होगा, धूप घूमना होगा, मेहनत करना होगा, 3 किलोमीटर का राउंड मार सकते हैं। हाँ तो इसमें अभी केवल मंदिर का सीन दिखाएं और यहाँ जो कलाकृति है तो वो सब दिखाएं, ठीक है। बाकी इसमें मंदिर मस्जिद सभी गिरजाघर सब है। जिया जी बता रहे हैं, सुनिए बताइए। इसके अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है और बहुत हमारे भोलेनाथ सब का भी है जो मेन मंदिर है, ठीक है। और बाकी इसके लिए 3 किलोमीटर का मुआयना करने के लिए धूप में मेहनत करना होगा, क्योंकि यहाँ बंद हो जाता है 6 बजे शाम में गेट बंद हो जाता है, जहाँ से हम 3 किलोमीटर चक्कर लगा सकते हैं उसके लिए साइड में जाना होगा, साइड से लेना होगा पूरा एरिया का 3 किलोमीटर का, उसके लिए दिन में आना होगा, जो समय रहने पर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। ओके थैंक यू। और जो कि अभी रात हो गया है जो नहीं हो पाएगा, बाकी आप लोगों को बहुत कुछ दिखाएं, ठीक है। हम भी दर्शन किए, आप लोगों को भी करवाएं, अच्छा लगा घूम के कि आप भी आओ। और बाकी हम चलते हैं अब है। एक बार मंदिर का गेट जो है का, गेट का लोकेशन देख लीजिए। हाँ दिखा दीजिए। आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, बाकी नेक्स्ट बोले तो कल कहीं और जाएंगे, एक और है स्वर्ण मंदिर है ना, स्वर्ण मंदिर वो जाएंगे फ्री रहेंगे, हाँ। लेकिन वहाँ का ऐसे बाहर का लोकेशन दिखा सकते हैं, अंदर घुसना अलाउ नहीं है, मतलब मोबाइल लेके यहाँ तो कुछ अलाउ भी था बाहर का, वहाँ तो अलाउ भी नहीं है, तो एक दिन वहाँ भी जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी में।